हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एफआईआरसी एंड बीआरसी। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ द पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ प्रूफ द इंटरनेशनल। जब भी हम कोई इंटरनेशनल गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो जो पेमेंट आती है उसके रिस्पेक्ट में, उसका जो सर्टिफिकेट जनरेट करती है डीजीएफटी और बैंक, वो ये सर्टिफिकेट बीआरसी और एफआईआरसी के रूप में बनता है। तो बीआरसी की अगर बात करें तो जैसे ही पेमेंट आती है, बैंक अपने ट्रांजेक्शन डिटेल्स को शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में डीजीएफटी की वेबसाइट पर सबमिट करती है और वहां से फिर हम बीआरसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एफआईआरसी की बात करें तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में जब हम कोई शिपमेंट करते हैं तो अगर पेमेंट हमारी एडवांस है तो उस केस में पेमेंट एडवांस आती है तो हमें एक बैंक सर्टिफिकेट देती है जिसे कहते हैं फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो दोनों ही पेमेंट के प्रूफ है, उनके जो बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो हम समझ लेते हैं। सो बीआरसी स्टैंड फॉर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, एफआईआरसी स्टैंड फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। पॉइंट टू, बीआरसी है पेमेंट आफ्टर शिपमेंट। जब हम गुड्स का डिस्पैच कर देते हैं, गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं और जो भी हमारी टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट गुड्स के डिस्पैच के बाद आती है। एफआईआरसी में जो एफआईआरसी के केस में क्या होता है, पेमेंट बिफोर द शिपमेंट। यहाँ पे जैसे ही हमारा किसी शिपमेंट के लिए एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम एडवांस पेमेंट लेते हैं तो ये पेमेंट शिपमेंट के पहले ही आ जाती है और बैंक हमें एक एफआईआरसी दे देती है। पॉइंट नंबर थ्री, पेमेंट रिस्पेक्ट टू शिपिंग बिल। तो यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिपिंग बिल के अगेंस्ट आती है। शिपिंग बिल की जितनी वैल्यू होगी उसे थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है बैंक चार्जेस को हटा के, तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिपिंग बिल आती है। और एफआईआरसी की अगर बात करें तो पेमेंट रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मा इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस जो इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनता है और एडवांस पेमेंट अगर परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट आ रही है तो वो आपकी बैंक आपको इश्यू करेगी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट एफआईआरसी। पॉइंट नंबर फोर की बात करें तो पेमेंट एज पर टर्म। तो यहाँ पे जो पेमेंट आएगी वो एज पर टर्म आएगी, जैसे डीए तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट जब सबमिट करोगे तो पेमेंट मिल जाएगी, या फिर डीपीए तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है सॉरी, और डीए तो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जो भी एक्सेप्टेंस होगा आपका 90 डेज 30 डेज उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी। और यहाँ पे अगर बात करें एफआईआरसी के केस में तो पेमेंट इन एडवांस, तो पेमेंट इसमें एडवांस आ जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव की बात करें तो बैंक डॉक्यूमेंट्स आफ्टर बीएल रिसीव। तो यहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट जो हम बनाएंगे बीआरसी के केस में, जैसे हमें बिल ऑफ लेडिंग रिसीव हो जाएगा शिपिंग लाइन से, हम बैंक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एफआईआरसी की बात करें तो बैंक डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एफआईआरसी रिसीव। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एफआईआरसी रिसीव होती है, ठीक है, हम बैंक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स की बात करते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बीआरसी के केस में क्या होगा, जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके एज पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी हमारा कंसाइनी डॉक्यूमेंट मांगेगा वैसे हमें डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। इन केस ऑफ एफआईआरसी डॉक्यूमेंट एज पर द बैंक, तो जो भी बैंक के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वैसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो इनके बीच में आज हमने इस सेशन में समझा डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में एफआईआरसी और बीआरसी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। Have a nice day.